दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, वो तेरे नाम है मेरी लिख दी मैं हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं छत पे आया हूँ और सुबह में तो पूरा बादल लगा हुआ था और अभी सब सारे बादल गायब और आसमान भी पूरा ना साफ सुथरा हो गया है। तो मैं अभी अपने निकॉन के DSLR से ना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। निकॉन का ये है निकॉन का D3300 जो है ना बहुत ज़्यादा ही पुराना हो गया है और मैं अभी अपने छत पे हूँ। तो यहाँ से अभी कुछ अच्छा व्यू भी अच्छा आ रहा होगा मेरे अंदाज से, क्योंकि इसमें फ्लिप वाला स्क्रीन है नहीं जो मैं देख पाऊँ। तो आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है तो आज ब्लॉगिंग करने का मैं सोचा स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि है ना कुछ दिन से ब्लॉग कर नहीं पा रहा था। और इसके पीछे एक और रीज़न है ये कि क्या नाम अभी 3 दिन से नेट भी नहीं चल रहा है, वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से। तो अभी है ना सो के ही उठा हूँ, ब्रश व्रश कर लिया और फिलहाल है ना अब जाऊँगा रेडी होऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। इसी शाम में मम्मी पापा के एनिवर्सरी का पार्टी भी होगा, तो वो भी है ना वो भी मैं देखते कहाँ क्या करवाना है। और कैमरा का वेट भी कुछ ज़्यादा हो गया तो हाथ भी दर्द करने लग रहा है। तो मैं इससे पहले है ना अपने मोबाइल से करता था और GoPro से भी 1-2 दिन किया हूँ। तो ऐसे मेरा है ना ब्लॉग ज़्यादा आ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दुकान को लेकर मैं बिजी पूरा रहता हूँ, जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी चाहते हैं रेडी होने, उसके बाद देखते क्या क्या होता है। चलिएगा इस पर अभी रेडी होके दुकान पे आ गए हैं। तो अभी है ना चाबी तिजोरी का जो लॉकर का चाबी होता है वो लाने गए हैं घर पर से चौकन का। तो अभी सुबह का 9:15 हो गए हैं और आज शर्ट भी चढ़ाया है, मगर गर्मी कुछ ज़्यादा ही है अभी। धूप मतलब ज़्यादा है, गर्मी तो नहीं उतना। और 3 दिन से वाईफाई नहीं काम कर रहा है तो उतना दुकान पे मन भी नहीं लग रहा, भर दिन बैठे बैठे बोर होते रहते हैं और मोबाइल चलाते चलाते भी नेट मोबाइल का डाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो पता नहीं अभी आज ठीक नहीं हुआ तो ये ब्लॉग कैसे अपलोड होगा। फिर कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन है, फिर भी ये कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अभी है ना दुकान पर पूजा पाठ करके उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आकर दुकान में बैठेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। और आज देखते हैं नाश्ता में क्या बना, क्या स्पेशल है आज नाश्ता में। तो पूजा करके फिर चलेंगे नाश्ता करने के लिए। तो हे गाइस, तो अभी दोपहर के 1:10 हो रहे हैं और मैं भी दुकान अभी फिलहाल सुबह में कितना अच्छा मौसम था, पूरा आसमान में पूरा खाली था और है ना पूरा अच्छा खासा धूप भी निकला हुआ था, मगर अभी बहुत तेज़ बारिश हुआ है और मौसम थे पूरा बादल पूरा भरा हुआ है बादलों से और बारिश भी बहुत तेज़ हुआ है, थोड़ा ही हुआ मगर बहुत तेज़ हुआ है। तो अभी पूरा सड़क पर पूरा पानी पूरा भर गया है। तो अभी तो फिलहाल कुछ नाश्ते में पूरी बना हुआ था, पूरी सब्जी स्पेशल में, और रात में देखते क्या क्या होता है। ऐसे केक का भी ऑर्डर दे दिए हैं सामने में शुभम भैया को, जो यहाँ के हसनपुर के जो हैं वो अगर केक लेना चाहते हैं शुभम भैया के यहाँ से ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं शुभम भैया को। और वैसे आज
आज शाम का कुछ प्लान बन रहा है, देखते हैं शाम में है ना क्या, कहाँ और होटल जाएं, होटल जाना है तो या घर में ही, जो देखते क्या होता है शाम में। तो अभी दुकान पे ही थोड़ा देर बैठेंगे अभी। ऐसे आज फाइनली वाईफाई काम कर रहा है आज 3 दिनों के बाद से। तो अभी है ना बहुत सारा है ना वीडियो देखना है, वीडियो ब्लॉग जो बाकी है वो देखना है, और फिर आज इस ब्लॉग को भी है ना कल, हाँ आज रात में अपलोड हो जाएगा, और एक दो मूवी भी देखना है। हॉट स्टार पर जो थॉर लव एंड थंडर आया था वो वाला भी देखना है। तो फिलहाल तो देखते हैं वो अपना फिल्म मूवी, मिलते हैं शाम में। तो शाम में देखेंगे क्या होता है यहाँ पे, तो आप जैसे आपको आपके साथ शेयर करेंगे ब्लॉग के साथ। तो आप ब्लॉग को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तो जिसमें आपको पता चला क्या क्या हुआ है। तो मिलते हैं शाम में। हे गाइस, तो अभी रात के 8 बजे हैं और अभी फ़िलहाल तो रेडी हो रहा हूँ मैं, और घर पे ना मम्मी पापा भी सब रेडी हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी थर्ड यहाँ पर 5-10 मिनट टाइम लगेगा मम्मी पापा को रेडी होने में। तो फिलहाल ये वाइट शर्ट पहने, तो आप लोग कमेंट में बताएं वाइट शर्ट कैसा लग रहा है मेरे पे। तो फिलहाल अभी मम्मी पापा लोग आएंगे, उसके बाद यहाँ 4-व्हीलर से होटल चलेंगे, फिर वहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे ब्लॉग। तो रेडी होके फिलहाल रेडी होते हैं और चलते हैं। तो हे गाइस, तो अभी हम होटल पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ है, पीछे हमारे गाड़ी का भीड़ है पीछे, और यहाँ पे सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो सब सारे लोग तो लिफ्ट जा रहे हैं, हेलो मैं ना फिलहाल चलता हूँ सीढ़ी से, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही भीड़ हो जाएगा। कौन सा ऊपर है बस फर्स्ट फ्लोर पे, और लगता है वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखते हैं और वेट करके देखते क्या क्या आगे होता है। तो यहाँ पे है ना कुछ ज़्यादा ही अंदर भीड़ है, इस वजह से अभी हम लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। मीटिंग हॉल है, उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं, कहना यहाँ पे सब खाली होगा, उसके बाद वहाँ पर अंदर जाएंगे, तब यहीं पर केक कट करेंगे। फिलहाल गोलू भी अभी आ रहे हैं, तो अभी लगता है टाइम था लगेगा 10-15 मिनट, क्योंकि यहाँ पर कुछ पुलिस लोग आए हैं, कुछ नेता लोग आए हैं, वो अपना जो अपना होगा वो कर रहे होंगे। तो चलते हैं, थोड़ी देर अभी बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे चेक करते हैं। तो अभी 10 बजने वाला, और यहाँ पर केक कटने का सब कुछ हो गया, अब केक कटेगा। तो यहाँ पर सारे लोग आ गए हैं यहाँ पीछे, तो अब अच्छे कट करते हैं, उसके बाद इस बीच में है ना बीच में कुछ फ़ोटो क्लिक करना है, इसलिए ना अब मोबाइल से है ना ब्लॉगिंग करेंगे, और कैमरा से फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो अभी खाना खाने के लिए ना रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर अभी है ना प्लेट सारा लग रहा है, और है ना
पापा भी बाहर में, बाकी लोग यहाँ सब पीछे, सारे लोग हैं पीछे यहाँ पर भी आ गए हैं। तो यहाँ प्लेट लग रहा है, उसके बाद है ना ऑर्डर कर दिए हम, तो वो अभी ऑर्डर आएगा, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद सीधा घर। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके करिएगा। तब तक बाय, गुड नाइट।